सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आज मैं सुबह सुबह उठ के रेडी होके तो मम्मी ने बोला कि थोड़ा ब्रेकफास्ट बना दो, तो मम्मी के साथ में मिल के थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया, क्या रेडी किया है। ये मम्मी ये आलू की सब्जी बना रही है, और ये देखिए ये है डोसा। डोसा प्रिपेयर करिए। डोसा के लिए इसको चावल को मिक पिसा पिस के इसको अभी तावे में डाल के बनाएगी। ये देखिए, तो आप लोग जैसे घर में दुकान में खाते हो ऐसा, मम्मी देखिए कितना अच्छे से बनाती है मेरी मम्मी। सबसे पहले देखिए, हम लोगों को पहले चावल लेना होगा, चावल खाने वाला, और ये चावल को 1 आवर जैसा भिगा के रखना होगा। भिगा के रखने के बाद ऐसा, आप लोगों के घर में मिक्सी है तो मिक्सर मशीन में पीस के कुछ ऐसा होगा। अब इसको ये होने के बाद इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा पानी देना होता है। पानी देने के बाद थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार दे के उसको पूरा, इतना भी गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला बनाना है। पतला बनाने के बाद जैसे कुछ इस तरह बन जाएगा। तो ये बनने के बाद हम लोग अच्छे से डोसा बना के हम लोग खा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक डोसा बना के मैं अपने हाथों से दिखाता हूँ। चलिए, तो वीडियो में बनते रहेगा अच्छे से। तो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ये गाइस, ये मेरा डोसा बन के रेडी हो चुका है। तो इसको मैं अभी दीदी को खाने दूंगा, मम्मी को खाने दूंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो कमेंट में कीजिएगा गाइस, ऐसे ही आप लोग डोसा बनाइए घर में, आराम से बिंदास खाइए, और मैं भी खाता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं ये बना लिया हूँ, जो कि देखिए काफी देखने में अच्छा लग रहा है। तो मैं ये खा रहा हूँ, खा के आप लोगों को बता रहा हूँ कैसा लग रहा है। तो ये अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, और आलू की सब्जी के साथ तो और अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, कभी मन जाए बनाने के लिए, तो ऐसा आप लोग बना सकते हो, बना के खा सकते हो। और ऑफ कोर्स घर में जब रहते हो मम्मी के साथ हाथ बटा दो, अच्छा होता है, अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा भी काम करना चाहिए जो कि अच्छा लगे आप लोगों को। तो अब मैं खाता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए इतना तक, थैंक यू।